हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओके कार 24/7। आज की इस वीडियो में जानेंगे अक्टूबर के महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में। भारत में इस वक्त 8 कॉम्पैक्ट एसयूवीज बिक रही हैं, तो शुरुआत करेंगे 8th पोजीशन के साथ। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कारों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की 8th पोजीशन पर आने वाली होंडा WRV के साथ। होंडा WRV की अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में 1100 यूनिट्स बिकी हैं। ये गाड़ी सितंबर के महीने में 7th पोजीशन पर थी। सितंबर में इस गाड़ी की 1124 यूनिट बिकी थी। होंडा WRV पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरियंट्स में मिल जाती है। केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में 16.5 to 23.7 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 8,62,000 रुपये से शुरू होकर के 11,06,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 9,49,000 रुपये से शुरू होती है। 7th पोजीशन पर आई है टोयोटा अर्बन क्रूजर। हाल ही में इसकी मार्केट में एंट्री हुई है और अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी की 3,006 यूनिट बिक गई हैं। टोयोटा अर्बन क्रूजर आपको केवल पेट्रोल वेरियंट में मिलती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी का माइलेज 17.03 to 18.76 kmpl क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 8,41,000 रुपये से शुरू होकर के 11,55,000 रुपये तक जाती हैं और दिल्ली ऑन रोड प्राइजेस 9,46,000 रुपये से शुरू होती हैं। 6th पोजीशन पर आई है फोर्ड इको स्पोर्ट। फोर्ड इको स्पोर्ट की अक्टूबर के महीने में 4,599 यूनिट बिकी हैं। फोर्ड इको स्पोर्ट पिछले महीने यानी सितंबर में 6th पोजीशन पर थी, जिसकी 3,558 यूनिट बिकी थी। फोर्ड इको स्पोर्ट पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में मिल जाती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 15.9 to 21.7 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। फोर्ड इको स्पोर्ट की दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 8,19,000 रुपये से शुरू होकर के 11,70,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 9,25,000 रुपये से शुरू होती है। हाल ही में फोर्ड ने अपनी गाड़ियों के थोड़े थोड़े प्राइजेस बढ़ाए हैं। 5th पोजीशन पर आई है महिंद्रा XUV300। महिंद्रा XUV300 की अक्टूबर के महीने में पूरे भारत में 4,882 यूनिट बिकी हैं। XUV300 पिछले महीने यानी सितंबर में 5th पोजीशन पर ही थी। इसकी 3,700 यूनिट बिकी थी। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरियंट में मिल जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 17 to 20 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 7,95,000 रुपये से शुरू होकर के 12,30,000 रुपये तक जाती है। साथ ही दिल्ली ऑन रोड प्राइस 8,99,000 रुपये से शुरू होती है। 4th पोजीशन पर आई है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन के अक्टूबर में 6,888 यूनिट्स बिके हैं। सितंबर के महीने में भी ये गाड़ी 4th ही पोजीशन पर थी। सितंबर में इस गाड़ी के 6,007 यूनिट बिके थे। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में आ जाती है, मैनुअल और AMT ट्रांसमिशन के साथ। 16 to 22.4 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 7,00,000 रुपये से शुरू होकर के 12,70,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइस 7,89,000 रुपये से शुरू होती है। 3rd पोजीशन पर आई है Hyundai की वेन्यू। Hyundai वेन्यू की अक्टूबर के महीने में 8,828 यूनिट बिके हैं। पिछले महीने भी Hyundai वेन्यू 3rd पोजीशन पर ही थी। सितंबर में इस गाड़ी के 8,469 यूनिट बिके थे। Hyundai वेन्यू पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट्स में मिल जाती है, मैनुअल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 17.5 to 23.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 6,76,000 रुपये से शुरू होकर के 11,66,000 रुपये तक जाती है और दिल्ली ऑन रोड प्राइजेस Hyundai वेन्यू के लिए 7,71,000 रुपये से शुरू होती हैं। 2nd पोजीशन पर आई है किया सोनेट। किया सोनेट की अक्टूबर के महीने में 11,721 यूनिट बिकी हैं। पिछले महीने ये गाड़ी नंबर 1 पोजीशन पर थी 9,266 यूनिट के साथ। किया सोनेट में भी Hyundai वेन्यू वाला ही इंजन यूज किया गया है। किया सोनेट में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट मिल जाते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। किया सोनेट का माइलेज 18.2 to 24.1 kmpl क्लेम किया जाता है और दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस 6,72,000 रुपये से शुरू होती है और 12,99,000 रुपये तक जाती है। दिल्ली ऑन रोड प्राइस किया सोनेट के लिए 7,55,000 रुपये से शुरू होती है। और नंबर 1 पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा। अक्टूबर के महीने में इस गाड़ी के 12,087 यूनिट बिके हैं। ये गाड़ी सितंबर के महीने में 2nd पोजीशन पर थी 9,153 यूनिट्स के साथ।
मारुति विटारा ब्रेजा में आपको केवल पेट्रोल इंजन मिलता है मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। 1462 सीसी का पेट्रोल इंजन 17.03 टू 18.76 केएमपीएल का माइलेज देता है। दिल्ली एक्शोरूम प्राइस 7,34,000 रुपए से शुरू होकर के 11,41,000 रुपए तक जाती है और मारुति विटारा ब्रेजा के लिए दिल्ली ऑन रोड प्राइस 8,26,000 रुपए से शुरू होती है। दोस्तों, इससे पहले हम टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कार अक्टूबर का वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाकर के देख सकते हैं या OKCAR247 यूट्यूब चैनल पर ही वो वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किस ब्रांड की गाड़ी की कितनी यूनिट्स बिकी हैं, इंस्टाग्राम पर हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं, पिछले महीने भी की थी, इस महीने भी ब्रांड वाइज कितनी गाड़ियां बिक रही हैं, किस ब्रांड की, वो भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम पर आप जाकर के OKCAR247 सर्च करके वहां से सारी पोस्ट देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।